Good morning student i hope you all are doing well and today i am going to discuss with you question number 3 from uh, from exercise 13.6 class 9 now the question number 3 is a soft drink is available in two packs one pack is cuboidal shape and second one is cylindrical a tin can with rectangular base a tin can with the rectangular base see this figure क्या है ये कैसा बेस है इसका रेक्टेंगुलर है ना लेंथ है ब्रेथ है जैसे ही रेक्टेंगुलर बेस हुआ और हमने इसमें हाइट इंक्लूड कर दी तो ये क्या बन गया आपका क्यूबोइड ठीक है जब हम लेंथ ब्रेथ में हाइट ऐड कर देते हैं तो वो आपके क्या बन जाता है थ्री डी टू डी से क्या बन जाता है थ्री डी याद रखना इस बात को ओके okay. हाँ जी से तो फर्स्ट वन क्या हो गया आपका क्यूबॉइड तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड फाइंड आउट करेंगे सेकेंड वन में क्या है अप्लास्टिक सिलेंड्रिकल विद सर्कुलर बेस भाई सिलेंडर हो गया तो बेस सर्कुलर ही होना है है ना ऑफ डायमीटर सेवन एंड हाइट टेन सेंटीमीटर मैंने यहीं पर राइट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फिगर बिल्कुल मैंने इसका भी दिखाया है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो फाइव है विड्थ आपकी फोर है हाइट फिफ्टीन है ठीक है सो so, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगी बट आप करोगे ठीक है मैं यहाँ पे राइट right नहीं करूँगी गिवन में आप करोगे ठीक है जहाँ क्योंकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिखना होता है आप मिस नहीं कर सकते है ना सो so, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अगर मैं लिखती हूँ तो सिर्फ वन स्टेप में कर दूंगी ओके यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ किसकी टीन क्या हो जाएगा क्या है भाई लेंथ फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ओके okay. सो so, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है सब कुछ अब क्या है भाई सबसे पहले इसी की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टिन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड क्या होती है भाई एल इन टू बी इन टू एच लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्या हो जाएगी लेंथ आपकी कितना है फाइव इंटू फोर इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब हां जी क्या आ जाएगा आपके पास आंसर थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ओके सोनाओ कम टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन में क्या गिवन है आपको आपको गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है भाई सेवन सेंटीमीटर सो द रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी क्या हो जाएगा भाई हाफ ऑफ द डायमीटर सेवन बाई टू दैट इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाइट आपको गिवन है हाइट ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर कितना गिवन है टेन सेंटीमीटर क्या फाइंड आउट करना है आपको कैपेसिटी वॉल्यूम ठीक है तो क्या आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच आई मींस ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थ्री पॉइंट फाइव स्क्यर इंटू टेन सेंटीमीटर क्यूब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई कैलकुलेशन करनी है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू थर्टी फाइव बाई टेन आप इसको लिख सकते हो अगेन थर्टी फाइव बाई टेन इसको लिख सकते हो यहाँ पे टेन आपको गिवन है भाई टेन से टेन कैंसिल आउट सेवन वन जा सेवन फाइव सा फाइव वन जा फाइव टू जा टू वन जा टू वंजा टू जा, राइट आपके पास क्या रह गया अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रह गया एलेवन इंटू थर्टी फाइव ये आपके पास रह गया यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी है नोमिनेटर में क्या रह गया है सिर्फ थर्टी फाइव एंड इलेवन सो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास थ्री हंड्रेड एटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बताना था अब फर्दर पढ़ते हैं क्वेश्चन को रीड करेंगे आगे भई यहाँ तक हमने रीड कर लिया था विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच हमें कैपेसिटी बतानी थी दोनों की और ये बताना था कि इनमें से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है किसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आ सकती है है ना तो ये बताना था तो क्या करेंगे जब भी हम हाउ मच का क्वेश्चन रखते हैं दैट मीनस हमें क्या निकालना होता है डिफरेंस निकालना होता है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दे फोर प्लास्टिक सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी अलग से ही दिख रहा है ये थ्री हंड्रेड एटी फाइव है वो थ्री हंड्रेड है भाई कैपेसिटी किसकी ज्यादा है सिलेंडर की क्या, कैसे है भाई क्यों काम ने ऐसा क्योंकि यहाँ पे गिवन है थ्री हंड्रेड एटी फाइव माइनस थ्री हंड्रेड दैट इज कितना ज्यादा है एट्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है भाई ओके सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नाइंटी फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वेयर देखो लेटरल सरफेस एरिया दिया है तो कुछ ना कुछ यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे एंड इट्स हाइट इज फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स स्पेस इट्स वॉल्यूम आपसे दो चीज़ें पूछ ली गई है फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स स्पेस एंड सेकेंड वन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके सो so, ये हमें यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया दी है ये आपको फाइंड नहीं करना है ऑलरेडी दिया है इट मीन्स इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे रेडियस सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है सॉल्यूशन करेंगे तो क्या गिवन है सबसे पहले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भाई फाइव सेंटीमीटर ठीक है हम लेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है लेट द रेडियस बी आर मीटर, ठीक है अब हमें दिया है कव सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना क्या दिया भाई नाइन्टी टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर और आपको पता है होता क्या है टू पाई आर एच दैट मीन्स टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आपको फाइंड आउट करनी है फाइव सेंटीमीटर इजकल टू नाइन्टी टू पॉइंट फोर ओके तो अब क्या करेंगे सबका रेसिप्रोकल कर देंगे भाई हमें तो रेडियस चाहिए हमें रेडियस चाहिए तो यहाँ पे लिखे नाइन्टी टू पॉइंट फोर डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा टू इंटू ट्वेंटी टू इंटू फाइव जो भी न्यूमरेटर है सब डिनोमिनेटर बन जाएगा सो यहाँ से सोल्व कीजिए भाई देखिए टू से होगा क्या इलेवन टू जावन टू जावन एट जा इलेवन फोर जाट मीन एट पॉइंट फोर आ गया टू फोर जाट टू टू जा फोर टू टू जा फोर टू वन जा टू इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा denominator है अभी डिनोमिनेटर में फाइव है ठीक है जिसका सॉल्यूशन अभी होना बाकी है देखिए अब ये है ना आपका क्वेश्चन पॉइंट ही पॉइंट में चलता रहेगा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या गिवन था थ्री पॉइंट वन फोर और हमने ले लिया ट्वेंटी टू बाई सेवन तो इसी वजह से क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी हेक्टिक हो गई है आप ऐसा करें ना यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपको क्वेश्चन में बोली गई है तो यही रखनी है इसको या फिर से रख लेते हैं बच्चा यहाँ तक सेम रहेगा यहाँ पे ये यह कैलकुलेशन में जो पाई की वैल्यू है ये ट्वेंटी टू ना रख के आपको क्या रखनी है थ्री पॉइंट वन फोर ठीक है रखते हैं क्या हो जाएगा नाइन्टी टू पॉइंट फोर इंटू पाई कहाँ पर चली जाएगी ये भी डिनोमिनेटर में ही जाएगा वन फोर इंटू फाइव बी एंड टू भी तो सोल्व करेंगे अब क्या आ जाएगा आपके पास में है ना जो ये तो अब सारा नोमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा अब क्या करेंगे अब सोल्व करेंगे इसको हाँ जी यहाँ पे तो थ्री पॉइंट वन फोर है और यहाँ पे क्या है नाइन्टी टू पॉइंट फोर अगर आप चाहो तो इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हो यहाँ पे टू जीरो चली जाएंगी यहाँ पे वन जीरो आ जाएगी डेसिमल रिमूव करेंगे तो ठीक है जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ से तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी थ्री ओके तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी थ्री आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये फाइव से तो कैंसिल आउट होगा नहीं टू से कैंसिल आउट हो जाएगा ये टू फोर जै एट टू सिक्स जै ट्वेल्व टू टू फोर ठीक है फिर उसके बाद ये थ्री पॉइंट वन फोर से हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा अब यहां पे क्या करना भाई रेडियस मेरे पास आ चुकी है तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम सेकेंड पार्ट में क्या करनी है वॉल्यूम ऑफ रेडियस क्या करें भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी भाई पाईआर स्क्वेर एच ठीक है अब फिर से हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे थ्री पॉइंट वन फोर ही रखेंगे ठीक है हमें ट्वेंटी टू बाई सेवन नहीं रखनी है थ्री पॉइंट वन फोर ही रखेंगे सो so, क्या हो जाएगा भाई क्या होती है पाई आर स्क्वेर एच मीन्स थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर मींस थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई वन फोर वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर क्यूब ठीक है कैलकुलेशन करनी है सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है फाइव थ्री जा फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव इंटू थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वन फोर वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर क्यूब सो इस वाले पोर्शन को मत करिएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन देखो आंसर ये ले, लेने से भी आएगा ऐसी कोई बात नहीं है पाई की वैल्यू लेकिन उन्होंने ये इसलिए दिया है क्योंकि ट्वेंटी टू बाई सेवन से है ना आपका डेसिमल ज्यादा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा आप डेसिमल में करते चले जाओगे यहां से जबकि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है सो पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में आपको दे दी जाती है तो उसी को रखिएगा हमने यहाँ पे देखा नहीं है इसलिए हमने ट्वेंटी टू बाई सेवन रख दिया था ठीक है सो इस बात को ध्यान रखना बच्चे या हमने फर्स्ट फोर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है सो so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टिल देन टेक केयर बाय